तो वही एक बार फिर हम अगली स्टाल पर पहुंचे हैं और ये है यहाँ पर जो जो स्टाल लगी है वो है किसान मेला किसान डे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर स्टाल पर मतलब क्या जानकारी देंगे और ये हमारे लिए कितनी फायदेमंद होगी, तो उसकी जानकारी यहाँ पर सर देंगे और सर से ही हम बात करेंगे। तो सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी मंत्रा पर। तो क्या नाम है सर आपका? सुशील चौहान फ्रॉम हिसार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसमें हमारा एक डिपार्टमेंट है PCR है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। हम पेट्रोलियम संरक्षण के बारे में लोगों को अवेयरनेस कराते हैं या जागरूक कराते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है कि हमें जगह जगह मिल रहा है, ये बहुत रेयर है। हमारे पास इसकी खुद की मात्रा भी बहुत कम मात्रा है। या हम पैसों की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 18 रुपए का तेल हमारा खुद का है, बाकी 80% से भी ज्यादा हम दूसरे देशों से खरीद के लाते हैं और अपने पूरे देश का हम गुजारा करते हैं। उसके लिए हमें पैसा भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं तो उसके बाद जो इसके बदले में हमें धुआं मिलता है, उसके कारण आज बीमारी का रेशो बहुत तेजी से पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हिंदुस्तान की स्थिति और भी थोड़ी सी भयानक होती जा रही है। तो इसलिए ये हमारा डिपार्टमेंट ये छोटे छोटे मीटिंग्स वगैरह करके लोगों को जागरूक करता है, किसानों को, हाउस होल्ड लेडीज को, स्कूलों में, कॉलेजों में, जहां जहां हमें मौका मिलता है वहां वहां हम अपने प्रोग्राम करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है, कि पता है लेकिन बावजूद उसके फॉलो नहीं करते, फॉलो नहीं कर पाते। तो इसलिए हम बार बार उन लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि आप अपना सही साधन का सही कैसे उपयोग करें। जो छोटे मोटे मैं टिप्स हैं तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो भी पहले आप साधन चलाते हैं, कोई भी आप साधन चलाते हैं, उसको टाइम टू टाइम हम सर्विस करवाएं तो हमारी 10-15-20% तक हमारी सबसे ज्यादा हमारी बचत वहां पे होती है। उससे आपका पैसा तो बचता है, साथ में पोल्यूशन रेशियो भी हमारा घट जाता है, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे उतना ही तेल भी कंज्यूम ज्यादा होगा और पोल्यूशन भी ज्यादा होता रहता है। इसलिए हम कहते हैं टाइम टू टाइम आप उसको अपने जो भी साधन चलाते हैं उसको टाइम टू टाइम सर्विस करवाएं। उसके बाद हवा का भी बहुत बड़ा रोल है, लोग हवा चेक नहीं करवाते। रूटीन में हम लोगों से बात करते हैं तो हम पूछते हैं सर आपने कब हवा चेक करवाई, कोई तो कहता है 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं। इसलिए पेट्रोल पंपों पे ये सुविधाएं मुफ्त है, पेट्रोल पंपों कंपनियों की तरफ से ये सुविधाएं मुफ्त होने के बावजूद भी इतने लोग जागरूक नहीं है कि रूटीन में इसका चेकअप करा ले। तो कितने दिन में चेकअप कराना चाहिए? हाँ जी, ये रूटीन में चेकअप कितना दिन में, मतलब सर 15-20 दिन में एक बार जरूर करा लेना चाहिए। या आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, लगता है कि आपने आज 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, ठीक है, तो आप एक बार जरूर चेक करवा लें। हो सकता है कि वो 10 रुपए की हवा आपको 30-40 रुपए आपके बचा दे, ठीक है। तो इस चीज का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। और छोटे है कि गियरों का सही इस्तेमाल करें। आजकल नई एडवांस गाड़ियां इसी वजह से आ गई, पहले लोगों को यही नहीं समझ आता था गियर कब शिफ्ट करना है कब नहीं करना ये, तो इस चीज का भी हम कहते हैं कि गियरों का सही इस्तेमाल करें। उसके बाद जो कैपेसिटी है, जो भी आपके पास साधन है, अब हम देखते हैं मोटरसाइकिल को हम टू व्हीलर कहते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल को हम टू व्हीलर कहते हैं, यूथ उसको ऑटो बना के चलाता है, बिल्कुल, उससे एक्सीडेंट का रेशियो भी हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसलिए हम यूथ से भी कहते हैं, उनको भी एडवाइज करते हैं, बच्चों आप रूल रेगुलेशन के हिसाब से अपना साधन चलाएं, इसके सही हिसाब से, इसके कारण ही मतलब सरकार ने अब चलान बढ़ा दी अमाउंट भी, उससे भी मतलब लोग घबरा के थोड़ा घबरा के सर हम डर के मारे तो काम करने काम करते हैं। अब आपने मेट्रो में सफर करा होगा और वही ट्रेन में सफर करा होगा, वही लोग मेट्रो में बैठते हैं और वही उसी ट्रेन में बैठते हैं। मेट्रो इतनी साफ सुथरी क्यों है? कारण यही है कि लोग डरते हुए वहाँ पे कोई गलत हरकत नहीं करते और उन्हीं ट्रेनों में कोई नाम लिख रहा है, कोई थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसलिए पता है कि मेट्रो में ये गलत काम करेंगे तो हमारा चालान कट जाएगा। तो इस चीज के लिए भी हम थोड़ा सा कहते हैं कि आप रूल रेगुलेशन से अपने साधन चलाएं, आप खुद भी सेफ रहेंगे, आपके सामने वाला भी सेफ रहेगा और इससे हमारा एक्सीडेंट का जो रेशियो थोड़ा बढ़ रहा है वो भी कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस चीज को भी हम थोड़ा सा वो करते हैं। तो आपका गैस कैसे बचानी, गैस क्या कैसे बचाऊं, गैस के बारे में भी छोटी छोटी 2-3 टिप्स दे देते हैं। गैस को आप सबसे पहले आप जो 2 बर्नर होते हैं, आजकल 4 बर्नर की भी गैस आने लगी है, आप छोटा बर्नर यूज करेंगे वहां भी आपकी गैस की बचत हो जाएगी। उसके बाद आप सिम करके गैस की बचत कम करके यूज करेंगे वहां भी आपकी गैस की बचत हो सकती है। उसके बाद हम प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, हम आपको ये भी कहते हैं आप ढक के खाना बनाएं। उसके बाद ये कहते हैं जो बर्तन का जो तला होता है, सरफेस होता है, उसको कहते हैं फ्लैट होना चाहिए, जो फ्लैट होना चाहिए बिल्कुल टिक जाए उसके ऊपर, उससे आपकी गैस वेस्ट नहीं होगी। आपका गोल जो तला होगा उससे आपकी गैस
साइड में गैस भागती है वहाँ वेस्ट होती है, तो हम उस चीज के बारे में भी आप कहते हैं कि भाई आप आपका तला वो साफ होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, जिससे आपकी गैस की बचत हो जाए। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं। एक दो गैस के बारे में और बता देता हूँ। गैस का जो उपयोग है, कई बार हम देखते हैं कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा अखबार में, आज एक्सीडेंट हो गया, गैस से जान और माल के भी हादसे होते रहते हैं। उसकी सेफ्टी के बारे में भी हम थोड़ा सा आपको दो चार मिनट लेंगे, आपको बताते हैं। उसमें हमने सिलेंडर पे कुछ बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, लोग वही बात है पता है लेकिन उस पर गौर नहीं करते। सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है उस पर हमने कि उपयोग ना होने पर रेगुलेटर ऑफ करते हैं। आधे से ज्यादा जनता इस चीज को मानती नहीं है। कई लोग हमें कहते हैं कि हम रात को बंद कर देते हैं, हम ये कहते हैं हादसे का कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आपका गैस का काम खत्म हो जाए, दिन में आप बेशक 5 बार यूज करें, आप बेशक 10 बार यूज करें, उसको आप प्रॉपर बंद करेंगे तो आप और आपका परिवार ज्यादा सेफ रहेगा। उसके बाद हमें बहुत सी जगह ये शिकायतें आती हैं कि गैस आप लोग या कंपनियों से पीछे से कम आती है। हम कहते हैं आपको नॉलेज होगी तो आप ये चीज से बच जाएंगे। तो हम पूछते हैं कि सर इसमें गैस कितनी होनी चाहिए, बोले ये नहीं पता जी, लोग बताते हैं जो है। या ये कहेंगे जी वाइफ कह रही थी पिछला सिलेंडर तो 5 महीने चला, इस बार 3 महीने चला जी, गैस कम है इसका मतलब। हम ये कहते हैं हमने सब कुछ उस पर ट्रांसपेरेंटली लिखा हुआ है। बिल्कुल, आपके सिलेंडर पे आप देखोगे तो नेट वेट 14 किलो 200 ग्राम जो उसमें गैस है। बिल्कुल, 14 किलो 200 ग्राम उसमें गैस है, जो वैसे कोई भी सिलेंडर हो, वैसे इंडियन का हो, एचपी का हो, भारत का हो। उसके बाद ग्रोस वेट, सिलेंडर का वजन, जितने भी सिलेंडर हमारे अलग अलग वेट के होते हैं। कई लोग कहते हैं हम घर से तोल ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, उस पे बाहर लिखा हुआ है कि ये कितने वजन का सिलेंडर है। कोई 16.3 का है, कोई 15 किलो 400 ग्राम का है, कोई कितने का इस। उसके बाद टोटल वेट, टोटल वेट आप जो भी करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना वेट है। उसको आप जब आप जो भी आपको डिलीवरी देना आता है आप उसे तुलवाएं। गवर्नमेंट ने उनको 200 से 300 ग्राम तक की छूट दी हुई है कि भाई इतना कम ज्यादा है तो चल जाएगा, लेकिन आपका 1 किलो कम है, 1.5 किलो कम है तो आप वो सिलेंडर मत लें, क्योंकि उसमें आपका नुकसान हो रहा है। एक लास्ट और मैं मैसेज दूंगा आपको, बहुत सी जगह लोगों को जब गैस लीक हो जाती है तो पता तो चल जाता लीक हो रही है, लेकिन इसके पीछे उनको ये नहीं पता होता इसकी कंप्लेंट कहाँ करनी है या इसका क्या प्रोविजन है या किस ढंग से हम इसका समाधान करवा सकते हैं। तो एक मिनिस्ट्री ने एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, एक तो आपकी कॉपी पे ही होता है वो टोल फ्री नंबर। कई बार हम सिलेंडर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं तो उससे ये दिक्कत होती है, आपके पास सिलेंडर कोई और है और आपके पास एजेंसी जो आप एजेंसी चेंज हो जाती है, एजेंसियां चेंज हो जाती है तो उनको दिक्कत होती है। और इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया नंबर अब रिलीज करके दिया है, वो तीनों को होल्ड कर मतलब वो करता है। वैसे भारत सरकार में 3 की एजेंसियां हैं, तीनों को वो रेगुलेट करता है। उसका नंबर है 1906-1906। ये टोल फ्री नंबर है और 24 आवर्स चलता है। और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है, जब आप इस पे कंप्लेंट करेंगे आपकी रजिस्टर्ड कंप्लेंट होती है, ऐसा नहीं है कि वर्बली किसी को कहा था जी हो जाएगा, नहीं है, इसकी पे आपकी रजिस्टर्ड कंप्लेंट होगी और आपको 24 आवर्स के अंदर आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा और आपसे इसके कोई चार्जेज वगैरह भी नहीं लिए जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। चलो सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से। तो सर एक बार आ जाना आप, तो इन्होंने सर ने बहुत ही जानकारी दी जो कि यहाँ पर PCRA जो इनका स्टॉल लगाई हुई है NDRI मेले में, तो इन्होंने बहुत ही मतलब बेहतरीन जानकारी दी है जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हमें इन जो जानकारी दी इनको फायदा उठाना चाहिए। और जो सर ने नंबर दिए हैं, कोई भी कंप्लेंट होती है, कोई भी हादसा होता है तो उस नंबर पे भी हम संपर्क कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। सर एक मैं जानकारी चाहता हूँ कि जैसे हम ये कहते हैं कि सिलेंडर हम लेते हैं, हाँ जी, तो उस पे इंश्योरेंस है? वो सर वो एक अलग डिपार्टमेंट है, वो होता है लेकिन अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होता है। कोई टैक्स पेयर है उसके लिए अलग है, कोई वैसे ही है कोई अलग है, कोई गवर्नमेंट से ही मिलता है, किसी का कुछ नहीं है, उसको गवर्नमेंट देती है। नहीं, जैसे हम सिलेंडर लेते हैं तो उस पे ही ऑलरेडी ही इंश्योरेंस है, एक वो है कंपनी उसको वो करती है इंश्योरेंस करके, लेकिन सबका वही कहते हैं अमाउंट अलग अलग बनता है। अच्छा। भाई वो नहीं है कि एक फिक्स अमाउंट नहीं है किसी का, नहीं, आप टैक्स पेयर हैं आपका लिए अलग हो जाएगा। ओके ओके, हाँ, ये जो टैक्स पे नहीं है उसका अलग है, जो नॉर्मल होता है वो तो गवर्नमेंट आपको देगी। धन्यवाद सर। ओके सर।